हेलो एवरीवन वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस दिस इज सुमन यादव आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर इलेवेंथ है आपका चैप्टर नंबर टेंथ तक हम चीजें फिनिश कर चुके हैं जेनेटिक्स पार्ट बचा है जिसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी पूरा सारे चैप्टर खत्म होने के बाद ठीक है तो उसके लिए आप परेशान मत होना मैं पढ़ाऊंगी जरूर तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है चैप्टर नंबर इलेवंथ है उसमें हमें क्या देखना है उसमें आपके दो चैप्टर हैं ठीक है बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर है चैप्टर नंबर इलेवंथ और चैप्टर नंबर ट्वेल्थ और मैंने शुरू से आपको कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी कोशिश करो कि मैंने जो डिटेल प्लेलिस्ट बना रखी है उसको जाके आप देखो क्योंकि बेटा बायोटेक्नोलॉजी ऐसा चैप्टर है जिसको आपको लाइन लाइन बाय समझने की जरूरत है तभी पूरा दिमाग में बैठता है अदरवाइज बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी किस तरह से कहा से क्वेश्चन पूछ लेगा प्रॉब्लम होगी तो कोशिश करो कि आप पूरी प्लेलिस्ट देख लो अगर आपके पास टाइम है तो देख लो एक ही सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करना है देख लो बेटा उसे मेरा सजेशन ये रहेगा और ये वाली जो अभी मैं सीरीज बना रही हूँ इसमें मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता वो मैं इस सीरीज में पढ़ाने वाली हूँ ओके okay? तो थोड़ा बेसिक सा आइडिया मैं आपको दे दूंगी और कोशिश करूंगी आपने अगर नहीं भी पढ़ाया वो वाली सीरीज तब आपका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए इसमें पर इसमें मैं गारंटी नहीं दूंगी कि आपके पूरे क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे ये गारंटी मैंने दे सकती बेटा आपकी बायोटेक्नोलॉजी ऐसा चैप्टर है जिसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले वो बताया नहीं जा सकता और फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मोस्ट क्वेश्चन मैं कवर कर लू ओके okay? बाकी सारे चैप्टर की गारंटी है कि नाइनटी परसेंट क्वेश्चन से आएंगे जो मैंने पढ़ाया है लेकिन इसकी थोड़ी सी गारंटी नहीं है अगर आ भी गया पढ़ा हुआ तो हो सकता है कि आप अच्छे से लिखना पाओ उसे ठीक है तो मेरी आ, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो प्लेलिस्ट मैंने डिटेल में बना रखी है वो देखो और अगर नहीं देख पा रहे हो या फिर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ये सीरीज देख लो और पूरा जब खत्म हो जाए चैप्टर्स तो उसके बाद वो प्ले देख लेना ठीक है इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो डिटेल वाला देखना जरूरी है और चलने फिरने लाइक काम करना है तो ये सीरीज देख लो आपके लिए काम आ जाएगी मोस्ट क्वेश्चंस मैं कवर कराने की कोशिश करूंगी इसमें तो देखो इस चैप्टर में आप बायोटेक्नोलॉजी का दो चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और दूसरा है एप्लीकेशन तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर इलेवेंथ में आपको क्या करना है आपको इसमें दो चीजें समझनी है पहली बात तो ये कि बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या है और दूसरी बात ये कि कैसे करते हैं प्रिंसिपल समझना है प्रोसेस समझना है करते क्या है और कैसे करते हैं ठीक है और नेक्स्ट वाले चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि क्यों करते हैं ठीक है यहाँ पे तो क्यों कैसे पढ़ा हमने और आ, मतलब तरीका पढ़ लिया लेकिन एग्जैक्टली exactly क्यों करते हैं और क्या क्या उसकी एग्जाम्पल्स है वो हम वहां पढ़ेंगे ओके एग्जाम्पल सहित हम वहां पढ़ेंगे एप्लीकेशन वाले पार्ट में यहाँ बस समझते हैं कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं क्यों वाला पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ठीक है चलो थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया मैं आपको देती हूँ पर कोई बात नहीं दो तीन मिनट आप दे सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए ओके और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है हर दिन आपको वीडियो मिलेंगी एक वीडियो आपको मिलेगी सुबह ग्यारह बजे और एक तीन बजे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है पर मिलेगी जरूर ये गारंटी है ओके चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं पहले ये समझते हैं ठीक है बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है इस चीज को समझो हम क्या करते हैं कि एक चीज से जीन निकाल के दूसरे में ट्रांसफर करते हैं ठीक है एक जगह से जीन निकाल के हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं अब ऐसा क्यों करते हैं समझो देखो जैसे मान लो कोई एक प्लांट है वो बहुत कम समय के लिए जिंदा रहता है लेकिन फ्रूट उसके बहुत लाजवाब होते हैं आपको बहुत पसंद आते हैं ठीक है ऐसा कोई प्लांट है लेकिन वो बहुत कम समय के लिए एक दो महीने के लिए होता है फिर खत्म हो जाता है तो आपकी चाहत क्या होगी कि ज्यादा ज्यादा से लंबा समय ये पौधा हो सकता है तो मुझे हमेशा फ्रूट्स खाने को मिलते हैं। तो साइंटिस्ट लोग इस पे दिमाग लगाएंगे कि क्या ऐसा कर दें कि इस पौधे की लाइफ बढ़ जाए तो वो कोशिश करेंगे बायोटेक्नोलॉजी करने की वो क्या करेंगे वो एक ऐसे पौधे को लाएंगे जिसकी लाइफ बहुत लंबी होती है और ये वाला पौधा है जिसकी लाइफ बहुत कम है तो लंबे वाले लंबी लाइफ वाले पौधे के कुछ जीन्स निकालेंगे जो उसको लंबी लाइफ प्रदान करते हैं उस जीन को निकाल करके इस पौधे के अंदर डाल देंगे ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि ये पौधा भी क्या हो जाए लंबा जीवित रहे ठीक है ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है तो ऐसे चेक करके देखिए देखते हैं कई बार एक्सपेरिमेंट सफल होता है कई बार नहीं होता है लेकिन कोशिश ऐसे की जा सकती है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है यही काम है बायोटेक्नोलॉजी का किसी डिजायर्ड जीन को ले आना और अपने डिजायर्ड प्लांट के अंदर डाल देना प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देना ताकि वो क्या हो जाए उसका जीन मॉडिफाई हो जाए नया बन जाए और आपकी चाहत के अनुसार बन जाए दूसरा जाएल समझो मान लो कोई आदमी है ठीक है कोई आदमी है उसके सिर पे बाल नहीं है उसके सिर पे क्या है बाल नहीं है बेचारा एक ही बाल है इसके पास बहुत दुखी है हम क्या कर दे कोई ऐसा इसमें जीन डाल दे जिसकी वजह से इसके खूब सारे बाल आ जाए तो बेचारा क्या हो जाएगा खुश हो जाएगा तो बाहर से कोई जीन ना के आप डाल सकते लेकिन एक बात ध्यान रखना ये मैं आपको बस कंडीशन समझा रही हूँ ये पूरे इंडिविजुअल में नहीं होता है जब हम एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना तभी एक चीज पॉसिबल है बड़े होने के बाद ये चीज पॉसिबल नहीं होती क्योंकि हर एक सेल में कहाँ तक डालोगे हर एक सेल को इस जीन की जरूरत पड़ेगी हर एक सेल में आप नहीं डाल सकते ठीक है तो ये काम तभी कर सकते हो जब कोई ऑर्गेनिज्म यूनि हो एक कोशिका का हो एक सेल का हो ओके आजकल मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रही हूँ तो मेरे मुझसे हिंदी ज्यादा निकल रही है कोई बात नहीं यूनिसेलुलर जब हो कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी ये काम किया जा सकता है बड़े होने के बाद नहीं कर सकते ऐसा सोचो कि किसी के बाल अब नहीं है अब जाके बायोटेक्नोलॉजी करा दो तो नहीं पॉसिबल नहीं है हाँ उसके बच्चे में अगर चांसेस है कि बाल नहीं होंगे तो जब उसका बच्चा माँ के पेट के अंदर है छोटा सा है तभी उसमें हम कोशिश कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं अभी तक सफल नहीं हो पाया है ठीक है प्लांट्स भी जब यूनिसेलर होते हैं तभी हम उनके साथ ये प्रोसेस करते हैं ओके okay? तो चलो इतना तो समझ में आ गया कि किसी से जीन निकाल के किसी के अंदर डालेंगे यही काम होती है बायोटेक्नोलॉजी में अब कैसे डालेंगे ये हमें समझना है देखो जरा इसमें समझने वाला पार्ट ज्यादा है ठीक है मैं इसको मिटा रही हूं तुम पूरा डिलीट ही कर देती हूँ मिनट यस देखो इधर देखो हमें क्या करना है ए, जीन निकालना है किसी से और किसी के अंदर डालना है ठीक है तो हम क्या करेंगे जीन सपोज कर लो ये जीन है ये जीन आपने क्या कर लिया सॉरी ये जीन है आपका सपोज करो ये क्या है जीन है ये कैसा जीन है डिजायर्ड जीन है जो आप चाहते थे जैसे मान लो पेड़ को अः लंबा यू नो लंबी लाइफ देने वाला या हेयर्स लाने वाला जीन है ये ठीक है इस डिजायर्ड जीन को हम कहाँ पहुंचाना चाहते हैं किसी इंडिविजुअल में किसी भी व्यक्ति में पहुंचाना चाहते हैं इसके अंदर पहुंचाना चाहते हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा होस्ट कहलाएगा ये है होस्ट और जो डाल रहे हैं वो है डिजायर्ड जीन तो डिजायर्ड जीन अपने आप तो जाएगा नहीं किसी चीज पे बैठ के जाएगा तो जिस चीज पे बैठ के डिजायर्ड जीन जाता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मेट ओके प्लाज्मेट मतलब जहां पे हम अपने डिजायर्ड जीन को अटैच करेंगे प्लाज्मेट क्या है वेक्टर वेक्टर है Vector मतलब ले जाने वाला जैसे याद करो हेल्थ एंड डिजीज में मैंने पढ़ाया था कि मच्छर क्या करता है प्लाज्मोडियम को अपने ऊपर बैठा के ले जाता है हमारे तक ताकि हमें डिजीज हो सके तो मच्छर वहां क्या था वेक्टर था ऐसा ही प्लाज्मेट यहाँ पे क्या है वेक्टर है जो किसी को बैठा के अपने ऊपर ले जाए किसी डेस्टिनेशन तक तो ये क्या कर रहा है डिजाइड जिनको ले जा रहा है होस्ट तक तो ये प्लाज्मेट हो गया प्लाज्मे नथिंग बट कैरियर ऑफ द डिजायर जीन प्लाज्मेड कैरी द जीन यहाँ से क्वेश्चन आता है प्लाज्मिट क्या है तो प्लाज्मिट का दो तीन पॉइंट मैं बता देती हूँ प्लाज्मेड इज अ वेक्टर विच कैरी डिजायर जीन दूसरा पॉइंट है प्लाज्मेड इज सर्कुलर डीएनए प्लाज्मेड इज सर्कुलर डीएनए ये क्या होता है सर्कुलर डीएनए एंड फाइंड एंड फाउंड इन सम बैक्टीरिया फाउंड इन सम बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया में मिलता है सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा ये बैक्टीरिया से निकाला जाता है ठीक है अपने काम के लिए हम क्या करते हैं बैक्टीरिया से प्लाज्मेट निकालते हैं तो प्लाज्मेट कुछ नहीं है एक सर्कुलर डीएनए है ये आपको गोल गोल सा मैंने क्यों बनाया है कैंडी जैसा ये सर्कुलर डीएनए है इसलिए गोल गोल बनाया है और किस में मिलता है बैक्टीरिया में मिलता है ओके और ये करता क्या है डिजायर्ड जीन को हमारे होस्ट में डालने के काम आता है ये तीन पॉइंट आप प्लाज्मेट के लिए लिख दोगे तो प्लाजमेट वाला काम आपका खत्म ठीक है एक होता है एग्जाम्पल इसका दे दो तो एक प्लाजमेट होता है पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू नाम का एक, है. है? तो एक सही था आप याद कर सकते प्लाज्मी आर थ्री ट्वेंटी तो इस प्लाज्मेट को आप याद कर लेना यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि वॉट इज प्लाजमेट तो आप ये दो तीन पॉइंट लिख के आओगे एक क्वेश्चन मैंने आपका कवर करा दिया ओके okay? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं मैं वापस से इस सारी चीज को मिटा देती हूँ ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर को इस चैप्टर को हेडिंग वाइज पढ़ने जाएंगे तो बहुत डिटेल लग जाएगा और ये लॉन्ग सीरीज हो जाएगी जो कि मैं नहीं चाहती ओके okay? तो चलो लाइन बाय लाइन मैं सॉरी मैं कोशिश करूंगी बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स बताते रहूं जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके ओके तो प्लाज्मेट आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन प्लाज्मेट से बनता है ठीक है याद रखना दूसरा दूसरा क्या होता है जो आपने डिजायर्ड जीन लाया है ठीक है और जिस होस्ट में आप जीन को डालना चाहते हो होस्ट का भी कुछ क्या होगा जीन होंगे ये होस्ट का जीन है और ये क्या है आपका डिजायर्ड जीन है डिजायर्ड जीन है ठीक है तो होस्ट के जीन में डिजायर्ड जीन को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उसे कट करना पड़ता है और एक निश्चित साइट पे कट करना पड़ता है देखो कैसे मान लो ये ये क्या है ये एक पेन जैसा कुछ है ठीक है काजल है एक्चुअली मेरा तो ये पेन जैसा है आपको क्या करना पड़ेगा मान लो इस पेन में से इतना पार्ट निकालना है इतना पार्ट आपको निकालना है और इतना पार्ट कहीं और ले जाके फिक्स करना है तो सेम टू तो सेम जगह से आपको ऐसा ही पार्ट काट के निकालना पड़ेगा तभी ये पार्ट जाके वहां पे अच्छे से फिक्स होगा ठीक है आप किसी दो पीस को काटते हो ठीक है और एक दूसरे से जोड़ना चाहते हो तो उसके एंड्स बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए तभी अच्छे से जुड़ पाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा काटने का तरीका सेम रखना पड़ेगा जिस चीज से आप डिजायर्ड जिन को काटोगे उसी चीज से होस्ट जिन को काटोगे ठीक है ऐसा नहीं है कि डिजायर जिनको चाहे जहां से काट दिया फिर ले जाके वहां चिपका रहे हैं चिपकेगा ही नहीं एकदम सटीक बैठना चाहिए तभी वो चिपकेगा ठीक है तो डिजायर्ड जीन को जब हमें होस्ट के जीन के अंदर डालना है तो इसको काटने के लिए दोनों चीज को काटने के लिए हम सेम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं ठीक है सेम एंजाइम यूज होगा सेम एंजाइम और इस एंजाइम को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं ओके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो होते हैं एक होता है एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्जोन्यूक्लियस ठीक है आप यहां पे कौन सा इस्तेमाल करोगे एंडोन्यूक्लियस कभी भी डीएनए को बीच में से कहीं से काटना होता है जैसे पड़ा सा डीएनए है उसमें से बीच में से कहीं आपको काटना है तो एंडो न्यूक्लियस इस्तेमाल होता है अगर किनारे किनारे से काटना है तो एक्जो न्यूक्लियस इस्तेमाल होता है ठीक है तो का हमें काम नहीं है हमें काम किसका है एंडोन्यूक्लियस तो आप इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कह सकते हो मेरी बात समझ में आई यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि वॉट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो आप कहोगे डिजायर्ड जीन और होस्ट जीन को काटने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ओके जस्ट मेरा एक कॉल आ गया है okay. सो so, ये हम क्या यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं राइट डिजायर जीन को काटने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है आप काट रहे हो तो काटने के बाद ये ले जाके यहाँ चिपकाना भी है तो चिपकाने के लिए भी कुछ चाहिए ना ऐसे रख दोगे तो थोड़ी चिपक जाएगा तो चिपकाने के लिए आपको एक एंजाइम लगता है जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज क्या करता है चिपकाता है ठीक है चिपकाता है स्टिक करता है अपनी भाषा में याद रखो इस चैप्टर में आपको रटने से काम नहीं चलेगा अपनी भाषा में बहुत समझ के याद रखना होगा और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा काटने का काम करेगा ओके तो देखो आपसे पूछा जाता है वॉट आर मोलिकुलर सीजर्स सीजर मतलब काटना तो काटने का काम कौन कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो आप कहोगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज मॉलिकुलर सीजर्स ओके इसका दूसरा नाम होता है मोलिकुलर सीजर्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम होता है मॉलिकुलर सीजर्स मॉलिकुलर सीजर्स क्या काट रही है होस्ट के जीन को काट रही है और आपके डिजायर जीन को काट रही है डीएनए भी कह सकता है जीन जीन के जगह क्योंकि आर नथिंग बट पार्ट ऑफ डीएनए डीएनए का ही पार्ट जीन कहलाता है तो जीन को काटने बोले डीएनए को काटने बोले बात एक ही है ओके okay? सो so, यहाँ पे दो पॉइंट आपका और तैयार होता है वॉट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या मोलिकुलर सीजर यही काम होता है यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है तो आप कहोगे डीएनए लाइगेज लाइगेज मतलब लाइगेट करना जोड़ना ओके डिजायर्ड जीन को किससे जोड़ता है होस्ट के जीन से चिपकाने का काम करता है चिपकाने वाला आपका डीएनए लाइगेस ओके आपको मैंने तीन क्वेश्चन तैयार कर दिया आज के लेक्चर में पहला तो मैंने तैयार कर दिया कि वेक्टर कौन है प्लाजमेड है प्लाज्मेड के बारे में आपसे पूछ सकता है दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है तीसरा डीएनए लाइगेस क्या होता है और क्या काम करता है और चौथा एक और क्वेश्चन इनडायरेक्टली तैयार हो गया कि आपके बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम होते हैं किन्हें दो एंजाइम का नाम बताओ तो दो दो एंजाइम एंजाइम आप कह कह दोगे दोगे और दूसरा डीएनए लाइगेज भी आपके तैयार हो गए इस तरह के क्वेश्चन दो से तीन नंबर के क्वेश्चन में पूछता है आपसे आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी और तीन क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इससे आगे बढ़े और भी ऐसे क्वेश्चन तैयार करें ओके सो विश यू ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में